बताने वाले आज पेस्टिंग और आपके फ्यूज पेपर में क्या डिफरेंस होता है। बहुत बार आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से पेपर आपने यूज किया है वीडियो में, तो मोस्टली वीडियोस में डिजाइन वाले में फ्यूज पेपर का यूज हम करते हैं। देखिए दोर सिंह दोनों को पास से आप देख सकते हैं। देखिए फ्यूज पेपर कुछ इस तरह का होता है, कुछ इसमें आपके दाने दाने दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेन भी आता है वैसे, और इसके एक साइड आपको थोड़ा शाइनी दिखेगी जो पेस्ट होती है और दूसरे साइड नॉर्मल है। तो इसके ऊपर प्रेस लगा करके हम इसको मोस्टली डिजाइन बनाने में यूज करते हैं, कॉलर या फिर आपको पट्टी बनाने में यूज इसको नहीं करना क्योंकि ये बहुत ही हल्का होता है। दूसरी तरफ ये है हमारी पेस्टिंग और आप देख सकते हैं इसकी एक साइड यहाँ पर देखिए शाइनी है, तो ये शाइनी साइड जो है हम प्रेस से इसको कपड़े के साथ लगाएंगे तो ये कपड़े के साथ आएगी, और इस तरफ हम प्रेस रख करके इसके ऊपर के प्रेस लगाएंगे। इसका यूज हम कॉलर बनाने में, नेक बनाने में, कफ बनाने में या फिर सलवार की पांचे बनाने में यूज करेंगे। इससे फिनिशिंग काफी बढ़िया आती है, तो बुकरम की जगह आप पेस्टिंग का ज्यादातर यूज करें अगर आप अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा और ऐसी और वीडियोज के लिए मैथ्री बुटीक को फॉलो करें।